हाय गाइस, दिस इज कृष्णाकांत सिंह। दिस इज शिल्पा सिंह राजपूत। अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल कृष्णा व्यूज। गाइस कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, अजीत कुमार की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है विश्वासम। और ये मूवी रिलीज हो रही है पोंगल को, है ना? पोंगल यानी 14 अगस्त। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 14 जनवरी। तो विकिपीडिया में अभी इसका जो रिलीजिंग डेट है वो नहीं शो कर रहा है, सिर्फ जैन 2019 शो कर रहा है। और ये मूवी सिर्फ तमिल में ही रिलीज हो रही है क्योंकि होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन साथ में करते तो ज़्यादा अच्छा था। बाद में होने के बाद फिर वो थिएटर में नहीं लगेगी, फिर शायद डायरेक्ट टीवी में या यूट्यूब में आएगी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अभी तक हमने इसका जो हिंदी वर्जन ट्रेलर फाइंड करने की कोशिश की वो हमें मिला नहीं है, तो तमिल में ही है। और जो भी कुछ है, अगर फ्यूचर में आने का अगर कुछ है तो आप लोग हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इस मूवी का डायरेक्टर है शिवा, है ना, ये आपने बोल दिया। हाँ, और नहीं बोला नहीं मैंने, तुमने बोल दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसका हमने बजट भी फाइंड करने की कोशिश की तो बजट हमें नहीं पता चला है। तो सबसे पहले इसका ट्रेलर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे किस तरीके का ट्रेलर है, क्या है। और ये वीडियो, ये जो ट्रेलर है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब पे। तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 and start. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. வாழ்க்கையில ஒரு தடவை அழாத பணக்காரனும் இல்ல, ஒரு தடவை சிரிக்காத ஏழையும் இல்ல. இங்க இருக்க 50 பேத்துக்கு வக்காலத்து வாங்க போய் சண்டை போட்டு ரத்தம் சிந்திக்காப்ல, சிந்தின ரத்தத்துக்கு சொந்தம் வராமலே போயிடும். பங்காளியலா, அடிச்சு தூக்கலாமா? हर एक चीज में क्लास होता है। क्या बात है, स्क्रीन प्ले जोरदार है। ये भी बात सुनने लग रही है। यार नेम बूटी ये எனக்கு என்னமோ பொங்க வச்சிரார் நினைக்கிறேன். நம்பர் 1 பொசிஷன் எங்கிறது ஏன் அடையாளம் ஜர்ரா? என் கதையில நான் ஹீரோடா. அடேங்கப்பா, என் கதையில நான் வில்லண்டா. இஸ் ஏஜ் மே பி ஏ ஆக்சுவல் எனர்ஜி பஹோத் ஹை யார். உங்க மன கொலை கோவம் வரணும், ஆனா எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு சார். அதனால லாங் லிவ் ஹாப்பி லைஃப் மெரிட்டு. கரெக்ட். என்கிட்ட இருக்கிற பணத்துக்கு இந்த ஏரியாவையே வாங்கிடுவேன். ஏரி மிதிச்சனுவே ஏரியா வாங்குறது இல்ல, மூச்சை கூட வாங்க முடியாது. பேரு தூக்குதர, தேனி மாவட்டம், ஊர் கொடுவிலார் பட்டி. பொண்டாட்டி பேர் நிரஞ்சனா, பொண்ணு பேர் ஸ்வேதா. ஒத்தைக்கு ஒத்த வாடா. கிரேட் யார். क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहूंगी कि अगर उनकी एज मतलब देखी जाए और उनकी एनर्जी देखी जाए तो बिल्कुल मैच नहीं करती। बहुत ज़्यादा एनर्जी और मतलब जो ट्यून्स वगैरह थे वो भी बहुत मतलब पावरेटिक थे, है ना? तुमने अजीत कुमार की और कोई मूवी देखी है? आई थिंक देखी है। मैंने भी देखी है। हाँ, पर मुझे याद नहीं आ रही कि मैंने भी देखी है। मूवी का नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, पर क्लास लेकिन मूवी होती है इनकी। हाँ, और बिल्कुल भी हम ऐसा भी कुछ जज नहीं कर सकते कि भाई इनकी वाइट दाढ़ी और ऐसा है तो मूवी में लो इनकी लुंगी उठाने का स्टाइल। और साउथ के मूवी में ये क्लास और मोस्ट ऑफ ऐसा भी नहीं कि फाइटिंग से बचे, फाइटिंग सीन्स इतने होंगे ना। और साउथ के मूवी में एक चीज ये भी हम लोग नोटिस करते हैं कि उनका कुछ भी क्यों ना हो यार, हर चीज में एक मतलब बाइक का स्टैंड भी लग रहा होगा ना उसमें भी साइड में मिट्टियां वाला बाइक टर्न लेके अभी उन्होंने किया था ना एक सीन में, वो तो मतलब मजा ही आता है देख के मेरे को। ऐसे सीन मतलब जैसे सिनेमैटिक रूप में आते हैं ना तो मजा आता है मेरे को देखने में। तो मेरे को एक चीज और लगता है कि जो साउथ की जो मूवीज होती है उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह जो काम करते हैं ना मूवी में, मतलब एक
ये समझ लो ना कि जो हम लोग थॉट्स मतलब जो माइंड में रख के चलते हैं ना कि मतलब मूवी में ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए पूरा बम फट जाए, मतलब बाइक से ऐसे उड़ रहा हो, मिट्टी हो, यहाँ पे घास वास उड़ रहे हो, वो ये लोग पूरा अप्लाई करते हैं उसमें और इतना अंदर से जोश आ जाता है ना हम लोगों को मूवी देखते वक्त, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर डांस करने और के लगता है सॉन्ग वगैरह भी मतलब इतने क्लास होते हैं, मजा। तो गाइस ये जो मूवी है ये मूवी भी जनवरी में ही आएगी और हम लोगों को ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वैसे हम क्या है तमिल में आ रही है हिंदी में तो मजा आता है सीरियसली, अगर आएगी तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता देना क्या बता आ रही हो हिंदी में मेरा, लेकिन यार मेरे ख्याल से होनी चाहिए हिंदी में क्योंकि मूवी का बजट जो होता है इतना अच्छा खासा बजट होता है, उसके बाद जब बजट इतना ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि अगर इसको डब करने में ज़्यादा रुपए नहीं लगते होंगे, डब करने में अगर मान लो 80 करोड़ की मूवी है तो डब करने में जो डबिंग आर्टिस्ट लोग को जो पैसे देने पड़ते हैं उसमें मान के चलो 5 से 10 करोड़ का और वो कर लो इफाजा कर लो क्या बोलते हैं उसको इंक्रीमेंट कर लो ज़्यादा, तो मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया इतना, तो ये क्या होगा कि इंडिया में फिर ये और दूसरे स्टेट्स में ज्यादा चलेगी मूवी तो अर्निंग भी बढ़ जाएगी, तो मेरे ख्याल से हिंदी में तो यार होना ही चाहिए था कुछ भी करके। हाँ। शायद ऐसे भी हो सकता है बाद में भी आए, और हमने तो ट्रेलर ऐसे सबटाइटल के साथ देखा तो कुछ एरिया से रिलेटेड कुछ झगड़ा है, एरिया से मतलब होता है ना डॉन उसका, डॉन तो वो बोलता मैं हीरो हूं अपनी मूवी का, तो ये अजीत सर बोलते हैं कि मैं विलन हूं मूवी का, तो हमने तो काफ़ी एंजॉय किया और जो भी कुछ इससे रिलेटेड कुछ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो और हमसे कुछ गलती हुई समझने में जानने में तो वो भी आप लोग हमें करेक्ट कर सकते हो, और बस यही मूवी हमको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए वो भी जरूर बताओ और इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके इसकी बजट बजट जो भी कुछ है आप लोग बता सकते हो हमको। हाँ तो हम लोग चलते हैं, हाँ तो गाइस हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस।